हाय फैमिली, तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो मेरे तो ये देखिए मेरी बेटी रेडी कर रही है। तो रेडी होके मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब चलती हूँ अपनी मंजिल की तरफ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। A few moments later. तो फाइनली मैं और मेरे पति देव जी आए रवि सर से मिलने। तो रवि लामेछाने सर हमारे यहाँ चितवन जिला से इलेक्शन में जीते हुए हैं, तो उन्हीं से भेंट करने आए थे। A few moments later. उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग सीधे चले गए पदमपुर। तो पदमपुर में यहाँ पे ये जो वायरल घर आप लोग देख रहे हैं, जो टिकटॉक में बहुत फेमस हुआ था वायरल घर, तो हम लोग वो देखने चले आए हैं। ये देखिए आप लोग भी वायरल घर। The next day. Hey family, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी को शोनी ब्लॉग्स नेपाल में। फैमिली, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग ब्लॉग में बने रहे। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फैमिली, आज के ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट किचन से। तो सुबह में नहा के झाड़ू पोछा हो चुका है हमारा, मैं नहा भी ली हूँ, बेड सेट सब मिल गया है। तो अभी मैं डायरेक्ट आई हूँ किचन में और मैं अभी अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल, आलू, सोयाबीन का सब्जी और रोटी। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो इसमें है मेरा चावल और इसमें है मेरा सब्जी। ये देखिए सब्जी मेरा हो रहा है, आलू सोयाबीन का है दम। और मैं आटा लगा के रख ली हूँ, तो जब आएंगे सब खाना खाने तो मैं गरम गरम रोटी बना के दूंगी। तो आज मैं नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्टिंग है क्योंकि आज है संडे। तो हम सिर्फ मैं नहीं खाऊंगी और मेरे पति देव जी और बेटा बेटी सब खाने खाएंगे, तो उन्हीं के लिए मैं बना दी हूँ। तो आज मैं फास्टिंग में दूध चूड़ा या दही चूड़ा कुछ भी हो हम खा लेंगे। तो आज मेरा नो टेंशन है खाने के लिए। तो आलू सोयाबीन के दम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से 3 प्याज कट कर लिए हैं, और इधर तड़का के लिए ये हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च है, 1 सूखी लाल मिर्च है, थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता, ये तड़के के लिए है। और मैं कढ़ाई बैठा चुकी हूँ, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो जाए। और इधर हमारा सोयाबीन भी भीज गया है, तो इसे मैं गाड़ के हल्का सेलो फ्राई कर लूँगी। तो मैं इसमें सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। तो मैं सरसों के तेल यूज कर रही हूँ, तो आप लोगों को जो पसंद हो वो तेल यूज करें। तो मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो अक्सर मैं सब्जी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मेरे घर में सरसों का तेल सबको ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है। Thank you.
और ये देखिए हमारा बेड एकदम क्लीन, मैं रूम क्लीन कर ली हूँ, तो आप लोगों में दिखा देती हूँ। ये देखिए देखिए, और इधर मैं हूँ, इधर मेरी बेटी मोबाइल चला रही है। इधर मेरा चावल के भी सीटी लग चुका है, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। मैं इसे ऑफ कर दे रही हूँ, तो ये देखिए हमारा आलू सोयाबीन का दम बन के रेडी हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इसको धनिया पत्ती से गार्निश भी कर सकते हैं, तो मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने डाली हूँ, आप लोग चाहे तो धनिया पत्ती डाल सकते हैं। ये देखिए, और इसका जो खुशबू है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना ज़बरदस्त खुशबू इसका आ रहा है। सिंपल एमी एंड डिलीशियस और झटपट बनने वाली हमारे आलू सेवन का सब्जी रेडी हो चुका है, तो मैं खा निकाल चुकी हूँ। अब चलती हूँ पतिदेव जी के देने के लिए। ये मेरे पतिदेव जी, एडवांस में बनाओ, मेरे प्रोजेक्ट भी गोइंग टू बी। तो यहाँ पे दुकान में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोची थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ, तो टीवी में मज़ेदार गाना चल रहा था, तो वही शौक पे मैं इसी तरह टाइम पास कर रही हूँ। मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी हम इसी तरह अपने आप मूड फ्रेश कर रहे हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा ये डांस को। A few moments later. Hey family, तो मेरी बेटी आज शॉपिंग करके आई है, तो शॉपिंग क्या क्या की है बेटी, तो मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। तो वो खुद के लिए शॉपिंग की है, तो ठंडा बढ़ गया है, ठंडी मौसम आ चुका है, तो ठंडा में लगाने के लिए ये कैमरा मैन कैसा है भाई, ठंड में लगाने के लिए वो अपने लिए तो कुछ कपड़ा खरीद के लाई है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और कुछ बोतल ले आई है पानी के लिए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए, देखिए वुलन टी शर्ट है, देखिए कैसा है, ये एक हो गया। इसके बाद ये स्वेटर टाइप पे है, ये देखिए, ये मैं भी पहन सकती हूँ, तो ये देखिए उधर दिखा दीजिए मेरी बेटी कैसे देख रही है। और ये है कुर्ता, देखा ये एक और टी शर्ट है, ये भी उलट में है, ये टी शर्ट सब कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। उधर मेरे पति जी चिल्ला रहे हैं वॉकिंग करने के लिए,
तो इवनिंग वॉकिंग करते हैं हम लोग, तो सोचे इवनिंग वॉकिंग करने से पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये बोतल ले आई है, ये पानी बोतल है, पानी एक दो तीन और ये चार बोतल लेके आई है। तो यही शॉपिंग की है मेरी बेटी, मिलती हूँ वॉकिंग करके।